हेलो दोस्तों, मैं मिट्टू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिट्टू बेस्टी में। तो आज मेरे खुरपाती दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना 2v3 कस्टम खेला जाए। तो तुरंत मैंने विनय को बुलाया और कस्टम बना करके तुरंत पासवर्ड हटाया और रैंडम प्लेयर के साथ बहुत सारे बंदे आए, तो जिसमें से बाकी सभी को किक करके सिर्फ 3 बंदे को उधर रखे और 2v3 स्टार्ट कर दिए, जिसमें कि एक तरफ मैं और विनय हूँ और दूसरे तरफ 3 रैंडम बंदा है। तो देखते हैं क्या होता है 2v3 में। अरे भाई, ये क्या, ये तो 2 ही बंदे, बाकी एक बंदा कहाँ गया? लगता है वो ऑफलाइन चला गया शायद, उसको पता ही नहीं चला। मतलब 2v3 लगा वो मजाक चल रहा है, इस वजह से शायद वो ऑफलाइन चला गया हो। तो हम तो भाई आप लोग शुरू में ही देखे होंगे 2v3 स्टार्ट किए थे, अब क्या करें, 2v2 खेलना पड़ेगा। तो देखते हैं कि 2v2 में क्या होता है, जिसमें कि एक तरफ मैं और विनय हूँ और दूसरे तरफ रैंडम 2 बंदे। तो देखते हैं, ये नुबरा पहले ही जाकर जोन में एलिमिनेट हो गया। ये क्या है, बॉट साले गधे। चलो कोई बात नहीं भाई, पहला राउंड तो ऐसे ही मतलब चला गया, मतलब ऐसे ही हम लोग जीत गए और बंदा ऑफलाइन चला गया डायरेक्ट से। और दूसरे राउंड में लिए हैं शॉर्ट लॉन्ग रेंज का गन और फिर एक गुलेबल, क्योंकि भाई पहला राउंड में तो भाई गन उन नहीं लिए थे हम, ना ही गुलेबल लिए थे। और ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा, यही जो एलिमिनेट हुआ था वही बंदा है और बहुत ही ज़्यादा गुलेबल लगा रहा है। लग रहा है कि स्काइलर लिया है और स्काइलर का बहुत ही सही प्रयोग कर रहा है भाई साहब, उसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ा है। ओ भाई, ये क्या है विनय भाई, किल चोरी कर लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से विनय। तो कोई बात नहीं, इसके साथ हम लोग 2 राउंड तो जीत चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और तीसरा राउंड स्टार्ट हो चुका है, बंदा बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक खेल रहे हैं भाई। मैं अपना जो रहता है ना जो डाउनलोड हो रहा, वो सारा हम डिलीट मार दिए थे, पिछला वीडियो रिकॉर्ड किए थे इस वजह से सारा वीडियो मतलब डिलीट कर दिए थे, तो आप लोगों को सादा सादा दिखाई देगा। वो भाई साहब, यहाँ पर तो बंदा ओपी गया एकदम खतरनाक ही तरीके से। कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी 1v2 की सिचुएशन है, जैसे जिसमें कि हम लोग मतलब दो हैं और उधर से एक ही बंदा बचा है। तो हमको लग तो नहीं रहा है कि हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि विनय ही मार देगा, हमको विश्वास है विनय मार देगा उधर से। तो देखते हैं कि क्या होता है, विनय मार पाता है या नहीं 2 राउंड, जिसमें कि ओ भाई विनय को ही मार दिया ये तो बंदा। ये बंदा तो वाकई में ही प्रो है भाई, विनय को मारना कोई आम बात नहीं है भाई, बहुत बढ़िया खेलता है ये बंदा, क्योंकि भाई विनय बहुत ही बढ़िया खेलता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेलता है। देखते हैं क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि भाई विनय को मार दिया तो कुछ भी हो सकता है बंदा के साथ। देखते हैं क्या होता है, अभी तो 2v मतलब अभी 2 राउंड से हम लोग आगे जा रहे हैं और 2v2 का सिचुएशन है। तो भाई हम कोशिश करेंगे कि 7-0 करने के लिए, या तो फिर 7-1 भी हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि भाई 2v3 है, वो भी रैंडम बंदा के साथ। रैंडम बंदा के साथ खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और थोड़ा सा डर भी लगा रहता है कि भाई ग्रेनेड का यूज़ ना कर दें, इस वजह से थोड़ा डर भी रहता है। बीच में कोई बंदा नहीं रहता है कि ग्रेनेड का यूज़ कर देते हैं, इस वजह से थोड़ा सा तो डर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक तो सही गेम जा रहा है। और देखते हैं क्या होता है, बंदा बहुत ही ज़्यादा गुलेबल लगा है, लग रहा है स्काइलर लिया है और स्काइलर का बहुत ही सही प्रयोग कर रहा है और उसको थोड़ा डैमेज पड़ा है, जो कि बहुत बढ़िया बात। ओ भाई, ऊपर जंप करके आ रहा था और भाई बंदा को काम तमाम कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर हम अभी 3 राउंड लगातार जीते हैं, अभी एक भी राउंड अभी उन लोगों का खाता भी नहीं खुला है। तो देखते हैं क्या होता है, और फिर से वाइट ग्लोबल वाला बंदा मेरे तरफ आ गया है। तो ओ भाई, ओपी हेडशॉट, और इसी के साथ यहाँ पर बंदा डाउन और बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर बंदा काम तमाम। गांडू मेरे सामने आ रहा है, बार बार मेरे से मरने ही आ रहा है बंदा। अब देखते हैं, सिर्फ एक ही बंदा बचा है, एक गांडू क्या करेगा, देखते हैं। बिना हमको लग रहा है अभी मार देगा, बार बार का गुड़ छुआड़ा थोड़े हकी मतलब मरा ही जाए भाई। ये गुलेबल का सही प्रयोग कर रहा है, इसको इतना डैमेज दिया है, स्काइलर लिया है ना, इस वजह से शायद स्काइलर का सही प्रयोग कर रहा है बंदा। कुछ भी कहो भाई, गुलेबल बहुत है। देख रहे हो, वहाँ से लगाते लगाते यहाँ पर आ गया। और इसी के साथ यहाँ पर हम लोग 4 राउंड जीत चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अभी रैंडम प्लेयर है भाई, एक भी राउंड नहीं अभी जीते हैं, और कोशिश रहेगा कि 7-0 करें। तो देखते हैं क्या होता है, 7-0 होता है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो बढ़िया गेम जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो देखिए क्या होता है, और एक बंदा मेरे तरफ फिर से वाइट ग्लोबल वाला आया है, गांडू आदमी। अब भाई गांडू मराएगा ये हमारे हाथ से, खाली मेरे ही हाथों से मराएगा भाई, बार बार ग्लोबल में फंस जा रहे हैं। ये क्या भाई, ये बंदा ग्लोबल में फंसा दिया है, और देखते हैं क्या होता है भाई। ओ भाई, ये क्या भाई, हम तो खुद हमको नहीं पता चला कि ये क्या हो गया। यहाँ पर तो बंदा दिखाई भी नहीं दे रहा था, हम मार रहे थे अनासुर मतलब अनाधुन मार रहे थे भाई, ग्लोबल में फंस गया था तो भाई दिखाई नहीं दे रहा था, बंदा को भाई आराम से मार सकता था, लेकिन नहीं मार पाया। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग 5-0 हो चुका है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अभी तक तुम लोग भाई खाता भी नहीं खुला है। और यहाँ पर देखते हैं 6th राउंड में क्या होता है भाई साहब। यहाँ पर ये बकवास हमको लगता है एकदम, 6 गोली वाला शॉटगन भाई,
सॉलिड लगता ही नहीं, अगर बॉडी पर नहीं चिपका तो भाई नहीं लगता है बंदा, भाई वही लोग मार देगा। टू गोली वाला शॉट गन बहुत मस्त है, आठ गोली वाला शॉट गन बहुत मस्त है, लेकिन भाई छः गोली वाला तो एकदम बकवास गन है। देखिए अभी यहाँ पर रिलोड हो जाता फिर से गुलेबल में लग रहा है फंस गया हम भाई, बार बार फंस जा रहे हैं। वो भाई साहब पूरा थोड़ा सा हेल्थ बचा है और बार बार ये भाई बंदा गुलेबल में फंसा दे रहा है। गांडू है तो फिर से फंसा दिया गांडू, और यहाँ पर एलिमिनेट हम हो गए यहाँ पर जोन में, तो देखते हैं क्या होता है। विनय बचा है और 1v2 का सिचुएशन है, और उसको हम काफ़ी टाइम में दे दिए थे, तो विनय को मारना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं था, और विनय एक दो गोली मारा होगा और यहाँ पर बंदा का काम तमाम। अभी तक तो बहुत ही बढ़िया गेम जा रहा है, 6 राउंड से अभी हम लोग जीत रहे हैं, अभी उन लोग एक भी राउंड नहीं जीता है और उन लोग खाता भी नहीं खोला है, तो आगे देखते हैं क्या होता है, खाता खोल पाते हैं कि नहीं। तो आज नुबड़े बॉट यहाँ पर गांडू फिर से मेरे तरफ ही आया है। ओ भाई उसको पड़ा है, उसको दो गोली पड़ा है शॉटगन से, दो गोली नहीं शायद एक ही गोली पड़ा था, और बहुत ही ज़्यादा फुदक रहा है। ओ भाई उसको कसम से पता भी नहीं चला, और उसको लगा कि अभी हम गुलेबल तरफ ही है, लेकिन नहीं यहाँ पर तो भाई फास्ट आकर यहाँ पर उसको पता ही नहीं चला शायद से हम कैसे आ गए, उसको मार भी दिए। तो चलिए अभी तो 2v1 का सिचुएशन है लग रहा है, फिर से हम लोग ये मैच 7-0 से हम लोग जीत जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है, क्योंकि भाई 6-0 हुआ है अभी तक तो भाई उन लोग खाता भी नहीं खोला है, और हमको लग रहा है बिना ही काफ़ी खाया, तो हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर बिना ही मारा। तो इसी के साथ 7-0 से हम लोग ये गेम को जीत चुके हैं, जिसमें कि देखते हैं कि बिना कितना किल किया है और हम कितना किल किए हैं। बिना ही ज़्यादा किल किया है, तो बिना कितना किल किया है भाई, 8 किल बिना किया है और हम 5 किल किए हैं। तो वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।